हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर गंगदेव है। मैं गुजरात से रहने वाला हूँ, कोड़ीनार से। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है सेवन जस एकेडमी, और मैं सेवन जस एकेडमी की जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी हेयर स्टाइलिस्ट का काम नहीं किया। जब से मैंने सेवन जस एकेडमी ज्वाइन किए, मेरे को बहुत सीखने मिला है इधर, क्योंकि इधर के सब लोग टीचर है, सर है। खास करके मैं सेम मैम और सर के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो हमारे सर है ना, वो सबसे बेस्ट है। सर और मैम जिन्हें मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आज तक कहीं भी जाऊँ वो मेरे साथी है, हमेशा रहेंगे। सेम मैम और सर को मैं ऑलरेडी मेरे मम्मी पापा ही मानता हूँ। जब भी मैं सोचता था कि मैं आगे जाके क्या करूँ, मेरे जीजा ने मेरे को बोला ये बात, सेवन जस्ट ज्वाइन कर। मैंने बहुत सारे सर के वीडियो भी देखे थे। जब से सर के वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को एक चाहत सी हो गई है कि मैं सर और मैम को जाके मिलूँ। तो मेरे अंदर एक चाहत सी हो गई थी कि नहीं, मेरे को हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। और काफ़ी सारी मैं एकेडमी भर के आया हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं मैम और जस सर और सेम मैम को ही फॉलो करता था। आज तक कितने सारे सर के वीडियो मैंने देखे, जो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, जो भी मेरे को करना है मैं जाऊँगा, एक बार सर और मैम से मिलूँगा। मान लो वो इतनी वीडियो में इतना हमें सिखा रहे हैं, तो मैं खुद उधर जाके कितना सीख पाऊँगा। और आज मैं इतना सीखा हूँ कि मान लो मैं दूसरे 5 लोगों को भी सिखा सकता हूँ ऐसा। जब से मैंने सेवन जस एकेडमी ज्वाइन किया है, जब भी मैं कुछ सीखा हूँ, सर ने बहुत मेरे को सिखाया है, और मैं सर को आज तक फॉलो ही कर रहा हूँ। और मेरी इतनी जर्नी अच्छी रही है कि सर मैम एक एक थ्योरी मेरे को ऑलमोस्टली इतना अच्छे से समझा रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ। फर्स्ट टाइम जब आया तब मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने घर भी छोड़ा था, क्योंकि मेरे को मान लो कोई भी आदमी हो घर से बाहर रहे तो ऐसा लगता है उसको, ऐसा इरिटेट लगता है। लेकिन इधर आके मैंने ये महसूस किया कि सेम मैम और जस सर अपने बच्चों की तरह ही सबको रखते हैं। और इधर का माहौल देख के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कहीं नहीं हूँ, अपने घर पर ही काम कर रहा हूँ। और सर और मैम मेरे को हर वक्त कोई भी कुछ भी काम हो मेरे आगे खड़े रहते हैं। और सर ने मेरे को एक एक पॉइंट सिखाया है। मान लो मैं पहले जब आया तब इतना डरता था क्लाइंट करने में, हेयर कट करने में, लेकिन सर ने वही बोला, डरेगा तो कभी तेरा कुछ नहीं होगा, तू कर। आज मैं करता हूँ, मेरे क्लाइंट भी इतने बहुत है जो मेरे रिटर्न आके मेरे को बोलते हैं मेरे को करवाना है तो सागर के पास ही करवाना है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जस सर और सेम मैम को, जिन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखाया है, और मैं आगे जाके किसी और को सिखा सकूँ इस काबिल बनाया है मेरे को, जो सेवन जस एकेडमी ने मुझे दिया है। और मैं तहे दिल से उस सेवन जस एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके जस सर और मैम का, जो मेरे को इतना ज्ञान दे दिया है कि मान लो मैं कहीं भी जाके हेयर कट करूँ ना, मेरी बाय मिस्टेक भी कभी भूल नहीं होगी, क्योंकि सर ने मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के एक एक हेयर कट सिखाया है। उसका स्टूडेंट कभी फेल हो ही नहीं सकता। जस सर ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया है ना कि आज मैं इधर से पास आउट होके जा रहा हूँ ना, तो फिर कहीं भी मान लो कहीं भी मैं काम करूँगा तो सबसे बेस्ट ही करूँगा, क्योंकि मेरे को जस सर ने अपने हाथों से एक एक पॉइंट सिखाया है। और जब मैं आया था मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, और सर ने मेरे को इतनी नॉलेज दे दी थी, क्योंकि मैं जब आया तब मैं पूरा जीरो था, अभी हीरो बन के इधर से निकल रहा हूँ, वो मेरे जस सर और मैम की बदौलत है। और मैं तहे दिल से सर और मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरे को इस काबिल बनाया है, एक स्टार बनाया है। और आगे मैं कहीं भी जाऊँ सबसे पहले सर और मैम का ही नाम लूँगा, क्योंकि मान लो माँ बाप के बाद गुरु ही होते हैं जो मेरे को सिखाया है सेम मैम और जस सर ने। मैं आज तक कुछ भी ना करूँ या ना करूँ, सेम मैम और जस सर को आजीवन नहीं भूल पाऊँगा। लव यू सर, और लव यू मैम, और लव यू आयानू सर।